और वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले आपसे एक हमेशा की तरह रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो के नीचे रेड कलर का एक बटन है उसे दबा दें और ठीक उसके बगल में बेल के आइकन को दबाएं और पाएं रोजाना ही लेटेस्ट न्यूज़ और कुछ सीखने सिखाने को, सब कुछ सीखने सिखाने की बातें। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें। हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ विकास फ्रॉम टेक्नो विकास चैनल। आज मैं आपके सामने एक नया वीडियो लाया हूं। अब आपको अपने कंप्यूटर या लैपटॉप से रिलेटेड ड्राइवर की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको एक सॉफ्टवेयर के बारे में बताऊंगा, सिंपली और सिंगल एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा जो आपके सारे ड्राइवर के प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। चाहे आप किसी भी कंपनी का लैपटॉप यूज़ करते हों, कंप्यूटर यूज़ करते हों, चाहे उसका कॉन्फ़िगरेशन कोई भी हो, i7, i3, i5, कोई भी कॉन्फ़िगरेशन हो। और इस एप्लीकेशन की सबसे खास बात यह है कि ये ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में काम करता है। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं तो देखते रहिए मेरा ये वीडियो। हमारे साथ कई बार ड्राइवर की प्रॉब्लम आती है, हमारा ब्लूटूथ काम नहीं कर रहा होता है, कभी हमारा पीसी का वाईफाई काम नहीं कर रहा होता है, और उसके लिए हम लोग अपने लैपटॉप के कंपनी के अकॉर्डिंग ड्राइवर सर्च करते हैं। बट आज मैं आपको एक एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा, पूरा ड्राइवर पैक बताऊंगा, जिसे आप किसी भी कंपनी के लैपटॉप और डेस्कटॉप में यूज कर सकते हैं, चाहे उसका कोई भी कॉन्फ़िगरेशन हो। और इस एप्लीकेशन की सबसे खास बात यह है, ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में काम करता है। एक और खास बात है, और वो खास बात यह है कि वो आपके सिस्टम को ऑटोमेटिकली स्कैन करता है और आपको ये बताता है कि आपके पीसी में कितने ड्राइवर्स मिसिंग हैं, ये इंपॉर्टेंट है, और आपको सजेस्ट भी करता है ये आप इंस्टॉल कर सकते हैं या फिर ये सॉफ्टवेयर आपके लिए जरूरी है। तो चलिए देख लेते हैं कि ये एप्लीकेशन कौन सा है और इसे कैसे डाउनलोड करते हैं, कैसे इंस्टॉल करते हैं और ये कैसे वर्क करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमें यहाँ पे डाउनलोड करना है एक सॉफ्टवेयर जिसका नाम है ड्राइवर पैक सॉल्यूशन। तो आप ये सिर्फ गूगल पे सर्च कीजिए जैसा मैं कर रहा हूँ। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी गई है, आप उस लिंक को फॉलो करके भी इस साइट तक पहुंच सकते हैं। आपको जाना है drp.su पे, जो कि हमारा फर्स्ट वेबसाइट पे शो कर रहा है, तो मैं इस वेबसाइट के अंदर जा रहा हूं। मैं आपको फिर से बता दूं कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप वहां से इस साइट तक डायरेक्ट जा सकते हैं। ये है ड्राइवर पैक सॉल्यूशन, डाउनलोड ड्राइवर पैक ऑनलाइन। ये है ड्राइवर पैक ऑनलाइन जिसे हम लोगों को इंस्टॉल करना होता है। ये बहुत लाइट होता है, मतलब कि अगर मैं इसे इंस्टॉल करूं और आपके पास नेट कनेक्शन है तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, ये आपको सजेस्ट करके डाउनलोड करके आपको इंस्टॉल करने का मौका दे देगा, आप इससे डायरेक्टली इंस्टॉल कर सकते हैं। और सेकेंड वन है ड्राइवर पैक नेटवर्क, ठीक है, अगर आपका नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम है तो आप इसको डाउनलोड करके और अपना नेटवर्क कनेक्शन को यहाँ से ठीक कर सकते हैं। और ये थर्ड वन है ड्राइवर पैक ऑफलाइन, तो इसकी मदद से आप, मैं इसी की बात कर रहा था, ये आपको यहाँ साइज़ दिख रहा होगा 11.5 GB है, ये ट्रायंगल पे क्लिक करें और यहाँ पे आप जो है वो इसे सेकेंड वन को चूज़ करें। सेकेंड वन को चूज़ करने से एक नया साइट खुलेगा और आपको 11.5 GB का डायरेक्ट लिंक मिलेगा, आप उसको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। थोड़ी देर में हमारा साइट ये खुल जाएगा और यहाँ पे जो है आपको रेगुलर डाउनलोड पे क्लिक करना है। आप जैसे ही रेगुलर डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो साइट खुलने के बाद यहाँ पे हमें कैप्चा एंट्री करना होगा, तो अभी हमारा कैप्चा लोड हो रहा है और मुझे यहाँ पे इस हरे वाले बटन पे क्लिक करना है। तो मुझे यहाँ पे कुछ सेकंड रुकना होगा, लगभग एक मिनट का समय लेता है क्योंकि हम लोग फ्री में डाउनलोड करें। अगर आप कुछ पैसे खर्च करके और डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप इधर इस मोड इधर से कर सकते हैं, हाई स्पीड ऑप्शन मिला है, टर्बो है, आप इसके द्वारा कर सकते हैं। बट मुझे तो यहाँ फ्री में करना है, तो मैं इस पर क्लिक करने के बाद थोड़ा सा वेट करना होता है। अब देखिए मुझे यहाँ पे शो हो रहा है योर लिंक फॉर फ्री फाइल डाउनलोड इज़ रेडी, तो मैं जैसे ही डाउनलोड पे क्लिक करूँगा फिर से एक न्यू पेज खुलेगा और कुछ ही देर में हम लोगों को एक लिंक शो करेगा जिससे हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं। अभी आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं मुझे यहाँ पे स्टार्ट डाउनलोड का ऑप्शन आ गया है, मैं इस पर स्टार्ट पर क्लिक करता हूँ और हमारा डाउनलोड स्टार्ट हो गया है। इसे डाउनलोड होने में
कुछ समय तो लगेगा ही, क्योंकि ये फ़ाइल का साइज़ बहुत बड़ा है और ये आपके नेट स्पीड पे डिपेंड करता है कि ये कितना समय लेगा। डाउनलोड होने के बाद मैं इस ड्राइवर को एक नए पीसी में आपको इंस्टॉल करके दिखाऊंगा कि ये वर्क करता है कि नहीं ड्राइवर। तो चलिए मैं आपको एक नए पीसी में दिखाता हूँ इसे इंस्टॉल करके। इस फाइल को जो है उसको ओपन करना होगा, जो exe फाइल है, और राइट क्लिक करके और ओपन करना होगा। ये .iso फाइल में डाउनलोड हुआ था, तो आपको इसके लिए कोई अदर सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं है। आप बस राइट क्लिक करके और इसे ओपन करें, या तो फिर डबल क्लिक करेंगे फिर भी ओपन हो जाएगा और आप सेटअप को रन करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दी गई है, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, उस पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। और ये यहाँ पे लिखा हुआ है ड्राइवर पैक सॉल्यूशन .exe, तो इस पर हम लोगों को राइट क्लिक करके और रन कराना है। रन करने के बाद ये एप्लीकेशन ओपन होगा। ये देखिए हमारा एप्लीकेशन जो है वो ओपन हो गया है। अभी यहाँ पे स्कैनिंग का जो प्रोसेस है वो चालू है, और स्कैन होने के बाद हमें बताएगा कि हमारे सिस्टम में कितने ड्राइवर मिसिंग हैं और कितने करने से हमारे पीसी के लिए अच्छा रहेगा, वो सब सजेस्ट करेगा। अभी वो हमारे सिस्टम को डिटेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए आपने यहाँ पे ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया है, इसके ड्राइवर जो है आप यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपको अपडेट ऑल दिख रहा है, उस पर क्लिक करें, हमारा एक न्यू मेनू खुलेगा और उसमें कन्फर्म इंस्टॉलेशन बताएगा, रिपोर्ट है इंस्टॉलेशन का मेनू खुलेगा। यहाँ पे हम लोगों को दो दिया गया है, अपडेट ड्राइवर्स एंड इंस्टॉलेशन प्रोग्राम, इंस्टॉल प्रोग्राम और अपडेट ड्राइवर्स। तो मेन तो नीचे वाला होता है अपडेट ड्राइवर्स, क्योंकि अगर ये सब में से कोई मिसिंग रहता है ना तो हमारा सिस्टम के परफॉर्मेंस पे असर पड़ता है। जैसे कि अगर नेटवर्क कार्ड ड्राइवर इंस्टॉल नहीं रहेगा तो आपका इंटरनेट नहीं चलेगा, वाईफाई अडैप्टर नहीं इंस्टॉल रहेगा तो वाईफाई यूज़ नहीं कर पाएंगे, और चिपसेट ड्राइवर इंस्टॉल नहीं रहेगा तो आपका कोई भी वर्क सही से नहीं होगा। उसी तरह साउंड का है और चिप कार्ड रीडर है, ये सब का अगर ड्राइवर आप यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं तो वो बहुत ही बेटर है, इंस्टॉल कर लेने से अच्छा रहता है। और इधर जो है सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर है, इसे आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं कि आपको कौन कौन सा सॉफ्टवेयर ज़रूरी है। ये आपको इसके साथ प्लस पॉइंट है कि आपको ये बहुत सारी एप्लीकेशन है, ब्राउजर है, व्यूअर्स है, कम्युनिकेशन के लिए जो है, फिर फाइल सॉफ्टवेयर है, प्लेयर है, इंटरनेट है, और जो सिस्टम की ज़रूरत का जो सॉफ्टवेयर है वो सब यहाँ पे आपका एक बना हुआ है, उस पर आप टिक लगाते जाएं जो आपको लगता है कि हमारे सिस्टम में होना चाहिए, और सिंपली इसे क्रिएट ए रिस्टोर पॉइंट पे टिक लगा दें और इसे स्टार्ट इंस्टॉलेशन पे क्लिक कर दें, और ये ड्राइवर इंस्टॉलेशन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो गया है। और इस तरीके से जो इंस्टॉलेशन का जो प्रोसेस है वो आपका स्टार्ट हो जाता है, और ये ऑटोमेटिकली आपके सिस्टम में जो है सॉफ्टवेयर को या एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेता है। तो खैर ये है ड्राइवर पैक सॉल्यूशन, आई थिंक ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है मेरे लिए, और आप लोगों को ये एप्लीकेशन, ये सॉफ्टवेयर ज़रूर रखना चाहिए अपने पास, क्योंकि इसकी ज़रूरत कभी भी पड़ सकती है। और ये कोई भी किसी भी पीसी में, चाहे वो कितना भी पुराना हो कितना भी नया हो, सभी में वर्क करता है। आपके अपने फैमिली में कभी कोई प्रॉब्लम आती है किसी कंप्यूटर में या किसी लैपटॉप में तो आप इस एप्लीकेशन को रन कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये आपके लिए भी 100% वर्क करेगा। इसमें और भी फीचर्स दिए गए हैं, आप खुद यूज़ करके देख सकते हैं। इसमें रिफ्रेश विंडो है, डिवाइस मैनेजर है, और रिमूव प्रोग्राम है, फिर बैकअप है, फिर आप चाहे तो इसमें रिपोर्ट कर सकते हैं इसके कंपनी को कि इसमें कुछ ख़राबी है। अगर आप किसी भी एप्लीकेशन को यहाँ से रिमूव करना चाहते हैं तो आसानी से इस पर क्लिक करके और रिमूव कर सकते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है जो आपके सिस्टम को ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है, आपको सजेस्ट करता है, और आपको ये बताता है कि आप ये सॉफ्टवेयर जो है वो अपने पीसी में इंस्टॉल कर सकते हैं, और आपके सिस्टम के लिए ये ड्राइवर इम्पॉर्टेंट है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहें। ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस अपडेट्स के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो अपना ख्याल रखिएगा।
बाय।